तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अथ गीटर्स। तो आज इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाली कि आप लोग इंस्टाग्राम से किसी का लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं। काफी बार क्या होता है कि आप लोग किसी से बात करते हैं और उसने आप लोग जानना चाहते हैं लेकिन आप लोग जान नहीं पाते, तो इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले कैसे आप लोग किसी का भी लोकेशन पता कर सकते हैं और उस लोकेशन पर आप लोग बड़ी आसानी से जा भी सकते हैं। बिल्कुल एकदम करिएगा, मैं आपको नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग इसका गलत यूज मत करिएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि आप लोग किसी से अननोन पर्सन से बात करते रहते हैं और काफ़ी दिन बात करते करते उससे दोस्ती हो जाती है और उससे आप लोग जानना चाहते हैं, मतलब उसका यहाँ पे उसका लोकेशन आप लोग पूछते हैं लेकिन वो उसका घर रहता है कहीं और, बताता है कहीं और से, तो यहाँ पे लोकेशन उसका निकाल सकते हैं और उसके घर तक यहाँ पे जा सकते हैं लेकिन आप लोग का मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको लाइव दिखाते हैं कैसे आप लोग लोकेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद उसके बाद यहाँ से आपका यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से सर्च वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना होगा। सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा फोटो वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप लोग यहाँ से भी जिसका भी लोकेशन निकालना चाह रहे हैं बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाएंगे, जैसे इस वाले फोटो पे क्लिक कर लेता हूँ तो इसका लोकेशन निकालना चाह रहे हैं, सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसके लोगो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद उसको यहाँ पे सारा फोटो वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, रील वगैरह दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद जिस भी सिटी का यहाँ पे लोकेशन निकालना चाह रहे जहाँ के रह रहे हैं आप लोग वहाँ का भी निकाल सकते हैं, जहाँ का भी निकालना चाह रहे निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर दिया रहा हूँ वाराणसी, इस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ लास्ट में आपको प्लेस का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको इस पे क्लिक कर लेना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे वाराणसी का सारा लोकेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ से वाराणसी घाट, वाराणसी सिटी ऑफ टेम्पल, अस्सी घाट, जहाँ का वाराणसी, काशी, बनारस, उसके बाद जहाँ का भी आपको यहाँ पे देखना है लोकेशन, जहाँ का भी लोग का यहाँ पे आप लोग देखना चाह रहे हैं आपका लोकेशन जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैं वाराणसी इंडिया का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आप लोग को मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जितने भी यहाँ पे आपको लोकेशन दिख जाएगा, जितने भी आईडी दिख जाएगा, सारा का आप लोग लोकेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे आईडी वगैरह दिख रहा है, तो जिसका भी निकालना चाह रहे हैं यहाँ से ऐसे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से सारा आपको लोकेशन एरिया यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग देखते हैं जिसका जिसका दिख रहा है यहाँ पे सारा यहाँ पे दिख रहा है, सारा आईडी आपको दिख जाएगा। ऐसे कर लेंगे सारा आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आईडी दिख जाएगा। उसके बाद जिसको जिसका भी यहाँ पे लोकेशन, इनका लोकेशन यहाँ पे निकालना चाहो तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको कोई लोकेशन वगैरह नहीं दिख रहा है तो सिंपली क्या करना होगा, एक बार प्रोफाइल पे फिर से क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं इनके प्रोफाइल पर आपको लोकेशन का यहाँ पर लोगो दिख रहा है तो फिर से इसी पर आपको क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ से इनका लोकेशन दिख जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं भदोही यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर से यहाँ पर इस पर ऐसे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से उनका लोकेशन यहाँ पे सारा आपको दिख जाएगा। तो आप लोग इसका मिस यूज या फिर गलत यूज मत करिएगा, मैं आप लोग को एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद उनका लोकेशन यहाँ पे जिसका भी रहेगा यहाँ पे दिख जाएगा, कितना किलोमीटर है, किस एरिया में है, सारा लोकेशन आपको दिख जाएगा और उस लोकेशन पर आप लोग जा भी सकते हैं। फाइंड बेस्ट रोड दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं 1 किलोमीटर का यहाँ है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मेरे आस पास ही है। तो इस तरीके से आप लोग उसके बाद स्टार्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके आप लोग जा भी सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम से किसी का भी लोकेशन निकाल सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल वाले सेक्शन क्लिक कर ले ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिल जाए और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग वीडियो को वॉच कर ले। वीडियो किस टॉपिक से आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल पर पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली से आपको क्या करना होगा, आप लोग मेरे साथ यहाँ पे कोलैब कर सकते हैं, 0 सब्सक्राइबर पे भी कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर पे कोलैब करने वाला हूँ, कोलैब कर रहा हूँ। तो आप लोग भी यहाँ पे अगर आप लोग अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाह रहे हैं, अपने चैनल को यहाँ प्रमोशन करवा, काफी दिन से चैनल पे वीडियो अपलोड करे, एक भी वीडियो वायरल वगैरह नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर भी गेन नहीं हो रहा, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे कोलैब कर सकते हैं। अपना जो भी यहाँ पे जो भी मुझसे क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे तो कर सकते हैं। उसके लिए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तो आप लोग को वीडियो को वॉच कर लेना। और जिसका सबसे ऊपर कमेंट रहेगा मैं कमेंट पिकर ऐप से यहाँ पे वेबसाइट से यहाँ पे देखूंगा, जो भी विनर रहेगा उसका यहाँ पे प्रमोशन भी किया जाएगा और वो मेरे चैनल कर सकता है, डेटा उनके पास शेयर करें ताकि वो भी मेरे साथ कोलैब कर सके और वो भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।